हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे वॉइसेस का टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक मोडाल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मोडाल्स होते क्या हैं, क्या चीज़ है। तो मोडाल्स, ठीक है ना, मोडाल्स, मोडाल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू फॉर्म टेंसेस मूड्स वॉइसेस एक्सेट्रा ऑफ अदर वर्ब्स। सो मोडाल्स होते क्या है? मोडाल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स हमारी ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हमारी मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के साथ लगती हैं और क्या काम करती है, टू फॉर्म टेंसेस मूड्स और वॉइसेस। यानी कि क्या मूड है स्पीकर का, क्या बोलना चाह रहा है, तो वो एक्सप्रेस करती हैं। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं मोडाल्स के क्या है हमारे, जैसे कि मे हो गई, कैन हो गई, हमारी माइट हो गई। तो ये सब क्या है, हमारे मोडाल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये हमारी मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मोडाल्स आर नेवर यूज्ड अलोन। यानी जो ये हमारे मोडाल्स होते हैं ना, ये कभी अकेले नहीं यूज़ किए जाते, ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई कैन रन फास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है हमारा आई, कैन क्या है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये है क्या है हमारी मेन वर्ब, ठीक है। सो ये क्या है हमारा मेन वर्ब क्या है, रन यानी भागना, दौड़ना। तो जो ये रन है इसके साथ ही यूज़ होगा, यानी कि हम ऐसे नहीं लिख सकते आई कैन फास्ट। यानी कि मॉडल के लिए हमारी मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब यानी इम्पॉर्टेंट है होनी, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते आई कैन फास्ट, जबकि हम प्रिंसिपल वर्ब को मतलब अकेला यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई रन फास्ट। सो ये जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल्स हैं, ये हमारे कभी अकेले यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सो जैसे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ उससे समझ में आएगा। एग्जाम्पल, आई कैन डू इट, ही कैन डू इट, यू कैन डू इट। सो ये जैसे मैंने लिखा, तीन एग्जाम्पल लिखे हैं। सो सेकेंड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोडाल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, अच्छा तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, ही और यू, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, और ही क्या है मेरा थर्ड पर्सन। सो कैन ना कैन ही है, देखिए तीनों सेंटेंस में कैन ही है। अब आई है तो कैंस, आई है प्लूरल ट्रीट करते तो कैन ही है, ही कैंस नहीं हो गया, यू है तब भी कैन ही है। सो क्या कहने का मतलब है हमारा, जो मोडाल्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बेस पर चेंज नहीं होते, जैसे हमारी वर्ब हो जाती है। जैसे मैंने लिखा ही, तो ही क्या है सिंगुलर है, तो ईट लिखती हूँ तो ईट्स लग जाएगा ना, एस और ईएस लग जाएगा, सो ही ईट्स, जो भी, व्हाटएवर, ही ईट्स एन एप्पल। सो
जो हमारा ये है मोडाल्स है ये हमारा सेम रहता है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बेस पर चेंज नहीं होता है, तो सब्जेक्ट इससे कुछ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दे एक्सप्रेस परमिशन एबिलिटी रिक्वेस्ट नेसेसिटी पॉसिबिलिटी। टू डू समथिंग, यानी कि जो मॉडल्स हैं हमारे क्या एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे परमिशन लेनी हो, एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता हमारे रिक्वेस्ट करने के लिए, नेसेसिटी किस चीज़ की ज़रूरत है, पॉसिबिलिटी बताता है। तो कुछ करने के लिए, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब ये सब एक्सप्रेस करने के लिए हमारे क्या यूज़ किए जाते हैं, मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। सो चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं हमारा परमिशन के बेस पर क्या क्या मोडल्स आएंगे। सो परमिशन कर रहे हैं, तो परमिशन क्या है हमारा, अनुमति मांगना किसी से, परमिशन लेना, आस्क समवन, आस्क समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी से कुछ चीज़ पूछना कि हम ये कर लें या ले लें, ठीक है। सो परमिशन अनुमति। सो इसमें क्या होता है ना, दो ऑक्सिलरी वर्ब आती है हमारी मेन, एक तो मे और एक कैन। तो अब इनको पढ़ेंगे हम डिटेल में। सो जब मे यूज़ करेंगे ना, मे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ रिलेशन कैसा हो, फॉर्मल हो हमारा, कैसा रिलेशन हो, फॉर्मल, और जहाँ पे बीच की भावना क्या हो, सम्मान देना या रिस्पेक्ट करना, ठीक है। जहाँ पे फॉर्मल रिलेशन हो हमारा और बीच की भावना कैसी हो, मतलब रिस्पेक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। और इसमें कैसे कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, मिस्टर, मिसेस, मिस, सर, मैम, ये सब यूज़ होता है वहीं पे, हम लोग क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैन। कैन में कैसा होता है हमारा रिलेशन, इनफॉर्मल, ठीक है। और कैसा होता है बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर, कैजुअल होता है, मतलब जैसे अपने दोस्तों के साथ होता है ना, यार दोस्तों के साथ, वैसे ही यही हमारा कैन। सो मैं कुछ एग्जाम्पल, मतलब सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उनको फिल करेंगे। डैश आई कम इन मैम। सो जैसे हम इनका मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, परमिशन लेंगे, तो हमको जवाब भी तो मिलेगा कि हाँ या नहीं, मतलब परमिशन मिलेगी भी, तो उसका भी जवाब हम इसी में लिखेंगे, मे में ही लिखेंगे और कैन में ही लिखेंगे, ठीक है। यस यू डैश। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा डैश आई यूज योर पेन। यस यू डैश। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश आई हैव दिस नोटबुक फॉर अ मिनट। यस यू डैश। सो ये मैंने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, हम इसमें ये फिल करने वाले हैं हमारा मे और
कैन, एक बार और देख लेते हैं, मे हमारा यूज होगा जहां पे हमारा रिलेशन फॉर्मल होगा, और बीच की मतलब सेंस कैसी होगी, मतलब फीलिंग कैसी होगी, रिस्पेक्ट वाली होगी, वर्ड्स कैसे आएंगे इसमें, मिस्टर मिसेस मिस सर मैम, और कैन हमारा कहाँ यूज होगा, जहां हमारा रिलेशन कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा, फ्रेंडली बिहेवियर होगा, कैजुअल बिहेवियर होगा. सो अब इनको फिल करते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, डैश आई कम इन मैम. सो यहाँ पे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को, मैम करके बोल रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे हम, मैम मे करेंगे यूज, मे आई कम इन मैम, ठीक है. हाँ, सो हमारा जो इसका रिप्लाई आएगा, यस यू, सो हम मतलब जो रिप्लाई आएगा वो भी हम कैसे देने वाले हैं, मतलब जो मैम होगी रिप्लाई कैसे देंगी, मे में ही देंगी. जैसे स्कूल में बोलते हैं ना क्लास में एंटर होने के लिए, मे आई कम इन मैम, तो ये मैम भी टीचर भी आपकी बोलती होंगी, यस यू मे. सो ये वही है. नेक्स्ट सेंटेंस, राधा डैश आई यूज योर पेन. सो राधा मतलब दोस्त हो सकती है, हम उसको नाम से पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं. सो राधा, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, फ्रेंडली बिहेवियर है, कैन यूज करने वाले हैं. सो कैन आई यूज योर पेन, सो राधा रिप्लाई क्या करेगी, यस यू कैन, यानी परमिशन दे दी ना उसने, यस यू कैन. नेक्स्ट, डैश आई हैव दिस नोटबुक फॉर अ मिनट. सो इसमें क्या आएगा हमारा, कैन आ जाएगा, और इसमें रिप्लाई क्या आएगा हमारा, मतलब परमिशन, यस यू कैन. सो ये था हमारा, क्या था, परमिशन के बेस पर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी है, हमारी मे और कैन. नेक्स्ट चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम रिक्वेस्ट के बेस पे. सो रिक्वेस्ट क्या करते हैं हम किसी को, रिक्वेस्ट क्या दिखाती है, स्पीकर्स कंसर्न दिखाती है, स्पीकर का कंसर्न, ठीक है, जो बोल रहा होगा, ठीक है. रिक्वेस्ट क्या होता है, किसी से विनती करना, क्या होता है, विनती या प्रार्थना करना किसी से, किसी चीज के लिए. सो इसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब आएंगी हमारी, इसमें आएंगी दो वर्ब, वुड और कुड. अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कैसी हुई, फॉर्मल हुई, यानी कि जिससे हमारा रिलेशन फॉर्मल है, तो हम क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, फॉर्मल रिलेशन. और जिससे हमारा इनफॉर्मल रिलेशन होगा, दोस्ती, घर मतलब रिलेटिव फैमिली, तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, कुड. सो फॉर्मल रिलेशन जहाँ होगा हमारा वुड यूज़ करेंगे, और जहाँ हमारा कैजुअल या फ्रेंडली बिहेवियर होगा वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट करने के लिए कुड यूज़ करने वाले हैं. और इसका जो रिप्लाई है ना, वुड वाले का जो रिप्लाई है, उसमें वो किस में मिलेगा, मे में मिलेगा, परमिशन में मिलेगा, इसका कैन में मिलेगा, क्योंकि हम किसी चीज़, किसी को विनती करेंगे, किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो हमें वो रिप्लाई करेगा ना कि हाँ वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं रिक्वेस्ट हमारी, तो इसका रिप्लाई हमें मे में मिलेगा और इसका हमें कैन में मिलेगा. ऐसे क्लियर नहीं होगा, एक बार हम इसके सेंटेंस ट्राई कर लेते हैं कुछ. सेंटेंस है इसके, मिस्टर कुमार डैश यू प्लीज लेंड मी रुपीज 20,000. नेक्स्ट, रिया डैश आई यूज योर टेलीफोन. डैश यू डैश यू माइंड नॉट स्मोकिंग एट डाइनिंग टेबल प्लीज.
सो ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं तीन, सो इनके देखते हैं क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। वुड किसके लिए यूज करने वाले हैं हम जब हमारी रिक्वेस्ट कैसी होगी, फॉर्मल होगी, ठीक है, और इसका रिप्लाई मे में मिलेगा। और कुड कहाँ यूज करने वाले हैं, जहाँ हमारा रिलेशन कैजुअल होगा, फ्रेंडली हो गया, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे और हमारे रिलेटिव्स, रिलेटिव्स। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर कुमार डैश यू प्लीज लेंड मी ₹20,000। सो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, हम रिकॉर्ड मतलब कैसा है रिलेशन, कैसा है हमारा, फॉर्मल है यहाँ पे, मिस्टर यूज किया है तो मिस्टर कुमार वुड यू लेंड मी ₹20,000। नेक्स्ट रिया डैट आई यूज योर टेलीफोन, सो रिया मतलब दोस्त है हमारी, तो दोस्त के उससे क्या बोलेंगे, मतलब कैसा रिलेशन है हमारा, फ्रेंडली है, सो क्या लिखेंगे हम, कुड, रिया कुड आई यूज योर टेलीफोन। नेक्स्ट डैश यू माइंड नॉट स्मोकिंग एट डाइनिंग टेबल प्लीज, सो यहाँ पे हम क्या है, अगर मतलब हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, कोई अननोन होगा वहाँ स्मोक कर रहा होगा, सो हम उसको बोलेंगे ना कि स्मोकिंग मत कीजिए, तो हम वुड यूज करेंगे, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग एट डाइनिंग टेबल प्लीज। सो ये है हमारी सेंटेंस किसके, हमारे रिक्वेस्ट के। नेक्स्ट चलते हैं, सो थर्ड है हमारा पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी कि मतलब क्या संभावना है किसी चीज़ की, प्रोबेबिलिटी क्या है किसी चीज़ के होने की, प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक है। सो इसमें तीन वो आ जाती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब मोडल्स, एक तो मे और एक माइट और एक कैन। सो जो हमारा मे है ना, मे, सो वो कब यूज होगा, जब हमारा जो रीजन है ना कुछ स्ट्रोंग होने वाला है, यानी कि स्ट्रोंग, स्ट्रोंग है रीजन टू बी श्योर, श्योर है उस चीज को लेकर, तब हमारी जो पॉसिबिलिटी है हम उसके लिए मे यूज करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। नेक्स्ट है हमारा माइट, माइट होगा हमारा वीक, मतलब रीजन का एब्सेंस ऑफ रीजन, यानी कमी है वजह की, रीजन जो है एब्सेंट है हमारा, वीक है हमारा रीजन। नेक्स्ट है हमारा कैन, कैन क्या होगा हमारा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो एक बार और समझ लेते हैं, हमारा जो पॉसिबिलिटी है यानी कि हमारी संभावना क्या है किसी चीज़ के होने की, किसी इवेंट के होने की, सो उसमें क्या करेंगे हम, तीन ये वर्ब्स यूज़ करने वाले हैं, हमारी मोडल्स यूज़ करने वाले हैं तीन। फर्स्ट है हमारा मे, मे क्या होगा, कब यूज़ होगा, जब हमारा कोई रीज़न स्ट्रांग होगा उस काम को, उस कार्य को करने का। नेक्स्ट है हमारा माइट, यानी कि रीज़न क्या है, वीक है, स्ट्रांग नहीं है, एब्सेंस है रीज़न में, एब्सेंस है। नेक्स्ट है हमारा कैन, कैन क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि वो चीज़ जो पॉसिबिलिटी वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सो इस पे सेंटेंस करके देखते हैं, अब ट्राई, शी 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 हैज नॉट प्रोमिस्ड बट शी डैश कम। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, इट डैश रेन। थर्ड सेंटेंस, he dash have applied for a job but I am not sure. Next sentence, anyone dash
एनीवन डैश मेक सर्च मिस्टेक्स ही डैश लीड द टीम as she has all the qualifications. Next, an accident dash happen to anyone at any time. So ये sentences हैं, इनको बनाकर देखते हैं क्या है हमारा possibility पढ़ रहे हैं, may, might और can को हमें fill करना है, ठीक है. So हमारा first sentence है she has not promised but she dash come, यानी कि हमारा जो देखो उसने प्रॉमिस नहीं किया है बट वो आ सकती है, यानी कि क्या है हमारा रीज़न कोई नहीं है, वीक रीज़न है, आ भी सकती है और नहीं भी आई, यानी कि एब्सेंस ऑफ रीज़न है, श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके, इस इवेंट को लेके. सो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं उसकी आने की कि उसने प्रॉमिस नहीं किया है लेकिन वो आ सकती है. सो क्या करेंगे इसमें फिल, वी रीज़न मतलब श्योर नहीं है तो माइट आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस, द स्काई इज sky आएगा. SKY. The sky is overcast with clouds. It dash rain. So यानी कि क्या हो चुका है, overcast कर चुके हैं मतलब clouds आ चुके हैं sky में मतलब. तो ये पता चल रहा है कि ये strong reason है हमारा और यहाँ पे क्या है surety है कि बारिश होगी ही होगी. तो क्या करेंगे हम, may करेंगे. Next, he dash have applied for a job, but I am not sure. So यहाँ पे तो खुद ही बता रहा है कि surety क्या है, नहीं है. So यानी कि surety नहीं है तो क्या आएगा हमारा, might आएगा. MIGHT might. Next, anyone dash make such mistakes. अच्छा गलतियाँ तो कोई भी कर सकता है, mistakes तो कोई भी कर सकता है. तो ये चीज़ क्या होगी, universally applicable. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलती नहीं की होगी, आपने कोई गलती नहीं की होगी. सो ये चीज़ क्या है, इसकी possibility क्या है, ये सब कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या आएगा, क्या ना आएगा. Next sentence, he dash lead the team as she has all the क्वालिफिकेशंस. तो यहाँ पे क्या है, रीज़न बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस है. देखो ना, ही शी हैज़ ऑल द क्वालिफिकेशन. तो यहाँ पे रीज़न है हमारे पास, श्योरिटी है कि वो सारी मतलब टीम को लीड कर सकती है क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशंस है. सो क्या पे यहाँ पे क्या करेंगे, मे. नेक्स्ट, एन एक्सीडेंट डैश हैपन टू एनी वन एट एनी टाइम. यानी कि एक्सीडेंट भी किसी के साथ कहीं भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि मे मतलब किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है. सो हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है तो कैन. सो ये थे हमारे सेंटेंसेस किसके, हमारे पॉसिबिलिटी के. इसमें क्या है, श्योरिटी है, इसमें श्योरिटी नहीं है. श्योर नॉट श्योर, ओके. नेक्स्ट चलते हैं हमारा. एक चीज और लिख लीजिए, जो मे मे और माइट के साथ हमारा प्रोबेबली लाइकली और पॉसिबली, ये तीनों नहीं यूज़ होते हैं. अगर ये लिखे हुए भी हैं तो मे और माइट नहीं यूज़ होगा हमारा, ठीक है. नेक्स्ट, अब हम क्या किस स्पेस पे पढ़ेंगे ऑक्सिलरी को, हमारी एबिलिटी के ऊपर. तो फोर्थ क्या है हमारी, एबिलिटी.
एबिलिटी क्या होता है हमारा, यानी कि हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमता कितनी है किसी व्यक्ति या के अंदर किसी भी कार्य को लेकर, ये है हमारा एबिलिटी। सो एबिलिटी के अंदर हमारे दो मॉडल ऑग्जिलरी आती है, एक हमारा कैन और एक हमारा कुड। तो जो हमारी कैन है, कैन कैसे यूज होती है, हमारी प्रेजेंट एबिलिटी को शो करती है। जो हमारी कैन होती है हमारी प्रेजेंट एबिलिटी को, हमारी प्रेजेंट क्षमता को दिखाती है, शो करती है। और हमारा कुड क्या करता है, पास्ट की हमारी एबिलिटी कैपेसिटी को शो करती है। और इन दोनों में क्या होता है, कोई भी स्पेशल एफर्ट्स नहीं होते, नो स्पेशल एफर्ट्स, यानी कि ये दोनों चीज़ क्या है, नेचुरल है। क्या है, नेचुरल है, मतलब जो भी एबिलिटी हमारे अंदर है, किसी पर्सन के अंदर है, वो नेचुरली है उसके अंदर, मतलब उसमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जब हम यूज़ करेंगे इस, एम, आर या फिर वॉज वर्ब किसके लिए होगा, या वॉज वर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जब यूज होगा ना हमारा, इसमें हम कब यूज करेंगे, जब हमारी कोई स्पेशल एबिलिटी दिखाएंगे, हमारे अंदर स्पेशल एबिलिटी शो करेंगे, ठीक है, स्पेशल एफर्ट्स डालेंगे, एबिलिटी या एफर्ट्स डालेंगे किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए। यानी कि जब हमारा कैन यूज, हम कैन कब यूज़ करेंगे, प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाने के लिए, कुड यूज़ करेंगे पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, इसमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, नेचुरल है। लेकिन जब हम यूज़ करेंगे इज, एम आर या वॉज वर, ये तो प्रेजेंट है और ये हमारा पास्ट है। सो ये हम यूज़ कब करेंगे, इज, एम आर या वॉज वर एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब हम कुछ स्पेशल एबिलिटी या हमारे कुछ स्पेशल एफर्ट्स हैं वो डालेंगे या वो दिखाने के लिए, तब हम क्या यूज़ करने वाले हैं ये। सो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है, आई डैश स्पीक फ्रेंच वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश सॉल्व दिस सम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश राइट, ही डैश राइट English before he joined the school. Next sentence, although she is poor, he dash educate हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस, करण वॉज इल बट ही डैश टू कंप्लीट He dash complete his work. तो ये सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए इनको फिल करते हैं। क्या क्या फिल करना है हमको, कैन प्रेजेंट के लिए कैन, पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड करेंगे, और कुछ स्पेशल एफर्ट्स या स्पेशल एबिलिटी हमारी शो हो रही होगी, स्पेशल एफर्ट्स हम डाल रहे होंगे किसी चीज़ में, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, उसमें भी प्रेजेंट के लिए इज, एम आर प्लस एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट के लिए वॉज वर आ जाएगा। सो चलिए सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई डैश स्पीक
फ्रेंच वेरी वेल. सो ये हमारी एबिलिटी बता रहा है कि हाँ हम फ्रेंच बहुत अच्छे से बोल सकते हैं. सो ये क्या आएगा इसमें, कैन. नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश सॉल्व दिस सम. शी कैन सॉल्व दिस सम, ये भी सिंपल है, हमारा एबिलिटी है उसकी, वो उस सम को सॉल्व कर सकती है. ही नेक्स्ट, डैश राइट ही इंग्लिश बिफोर ही ज्वाइन द स्कूल. सो ये ज्वाइंड है हमारा. ये तो मैंने बोल दिया था, देख एक बार लास्ट कहाँ था. हाँ क्योंकि मैंने ये बोला था कि सो सेंटेंस है ही डैश राइट इंग्लिश बिफोर ही ज्वाइन द स्कूल. सो ये ज्वाइन दिखा रहा है यानी कि ये वर्क हमारा पास्ट में हो चुका है, यानी कि ज्वाइन वो कर चुका था. तो वो बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं कि वो पहले इंग्लिश लिख सकता था जब उसने स्कूल ज्वाइन किया. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुड. नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल दो शी इज पुअर, यहाँ पे शी आएगा. ऑल दो शी इज पुअर शी डैश एडुकेट हर चिल्ड्रन. सो यहाँ पे बोल रही है कि हालांकि वो गरीब है बट उसने अपने बच्चों को एजुकेशन दी. सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्पेशल क्या बता रहे हैं, स्पेशल एफर्ट्स लगाए गए हैं उनकी मदर ने स्पेशल एफर्ट्स लगाए हैं कि गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चे को क्या की, एजुकेशन प्रोवाइड करी. सो ये क्या है हमारा, इज क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट दिखा रहा है. और प्रेजेंट दिखा रहा है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, इज एम आर ए वर्ब प्लस एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो इज एम आर में से क्या आएगा हमारा, शी के साथ इज आएगा, इज एबल टू. और यहाँ पे एडुकेट फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी गिवन है सो वो आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारा, करण वॉज इल बट ही डैश कम्प्लीट हिज वर्क. मतलब करण क्या था, बीमार था बट फिर भी उसने अपना वर्क कम्प्लीट किया. यानी कि इसमें भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए गए हैं, स्पेशल एफर्ट्स लगाए हैं. और ये किस में लगाए हैं, पास्ट शो कर रहा है हमारा. तो क्या आएगा, वॉज वर आएगा हमारा, वॉज वर. सो ही के साथ क्या लगेगा हमारा, वॉज एबल टू. और कंप्लीट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो ये है हमारा सेंटेंस, करण वॉज इल बट ही वॉज एबल टू कंप्लीट हिज वर्क. नेक्स्ट चलते हैं. तो ये जो हमारा कैन और कुड है, इसके साथ बी एबल टू ये यूज नहीं होगा. यानी कि कैन या कुड होंगे तो बी एबल टू नहीं आएगा, और बी एबल टू होंगे तो कैन या कुड नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एबिलिटी बता रहे हैं. और ये भी एबल टू क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, करने योग्य है या क्षमता बता रहा है. ठीक है, अगर हम जैसे कि हम कैन और कुड ले रहे थे लेकिन नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, कैन नॉट प्रेजेंट के लिए और कुड नॉट पास्ट के लिए. सिंपल सी बात है, अगर कैन है तो यानी कि वो एबिलिटी शो कर रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं तो क्या है हमारा, नेगेटिव है सेंटेंस. सो एग्जांपल देख लेते हैं इसका. शी कैन नॉट ड्राइव अ कार. नेक्स्ट एग्जांपल, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, सो ये क्या है हमारा, यहाँ पे कैन नॉट क्या दिखा रहा है कि उसकी एबिलिटी नहीं है कार ड्राइव करने की. और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. यानी कि वो डिफिकल्ट है, टफ है, तो वो समझ नहीं सकती. तो ये पास्ट की एबिलिटी जो मतलब नहीं है उसके अंदर, वो शो कर रहा है. सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में. आप तब तक इसको पढ़ते रहिएगा. थैंक यू. Yeah.